हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? बहुत 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 बढ़िया होंगे, पूरा पूरा मुझे विश्वास है बेटा। इसी विश्वास को कायम रखते हुए दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, कल वाली हमारी अधूरी एप्लीकेशन पूरी कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग जात का था। चालू करूँ इससे पहले दोस्तों आपको याद दिला दूँ, हम जो है बेटा हमारी कल एग्ज़ाम ले रहे हैं। कल मतलब दोस्तों 12 तारीख को 12 अगस्त को सुबह 10 बजे आपके ग्रुप में एक पेपर आएगा इंग्लिश का, जिसके अंदर दोस्तों दो क्वेश्चन होंगे, दो एप्लीकेशन होंगी। दोनों एप्लीकेशन आपको लिखकर 45 मिनट के अंदर मुझे भेजनी होगी। मेरे नंबर पर वो पेपर भेजना है और किसी नंबर पर नहीं भेजना है। एग्ज़ाम का पेपर केवल और केवल मेरे नंबर पर ही भेजना है दोस्तों। फिर से बोल दूँ, कल दोस्तों यानी 12 तारीख को सुबह 10 बजे आपके ग्रुप में एक पेपर आ जाएगा, जो पेपर आपको मुझे सेंड करना होगा 10:45 बजे तक। दोस्तों चालू कर रहा हूँ एप्लीकेशन, ध्यान देंगे हम। ज्योति एजुकेशन ट्रस्ट हलवद में आया हुआ है, नीट से टीचर ऑफ इंग्लिश, उसे एक इंग्लिश का टीचर चाहिए। फर्दर लोकल हायर सेकेंडरी स्कूल, कोई स्कूल है उसके लिए चाहिए। कौशल परिख नाम का लड़का है जो 16 नंबर जैन सोसाइटी एलिस ब्रिज अहमदाबाद में रहता है। वह राइट्स एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन लिखता है। तो दोस्तों ये बार क्या था बेटा, एप्लीकेंट का नाम पीछे दिया था, कंपनी का नाम आगे दिया था। तो एप्लीकेंट का नाम लिखा, या टू द ट्रस्टी या प्रिंसिपल किसी को भी लिख सकते थे, और एड्रेस लिख दिया ज्योति एजुकेशन ट्रस्ट हलवद का। सब्जेक्ट और एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों हमने कल बायोडेटा तक सिखा दिया था। इसके बाद आपको आता है बेटा हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको याद दिला दो दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। हमने दो एप्लीकेशन लिख चुके हैं इसलिए हमको याद ही है, फिर भी एक बार याद दिला दूँ। टेबल बनाया जाता है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ एग्ज़ाम, फिर लिखते हैं दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग, फिर लिखा जाता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, और फिर आता है बेटा अपने परसेंटेज। याद रखिए परसेंटाइल नहीं लिखा जाता है, परसेंटेज। सीरियल नंबर में सबसे पहले दोस्तों हमेशा हम एसएससी पास करते हैं, हमेशा इसका होगा हमारा 2011 पास करने का। बोर्ड का नाम होगा हमारा गुजरात बोर्ड, और परसेंटेज हमको लिखने होंगे दोस्तों लगभग 76.11%। दसवीं के बाद 12वीं करना कंपलसरी है, 2 साल बाद हो जाती है, 2013 लिख दिया, ये भी गुजरात बोर्ड हो जाता है। और दोस्तों हमारे पास परसेंटेज हो जाता है 72.13%। दोस्तों तीसरा नंबर, अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं इंग्लिश टीचर के लिए। आपके एप्लीकेशन की पैम्पलेट में देख सकते हैं क्या लिखा है, बीए एमए बीएड, एंड 10वीं 12वीं तो कंपलसरी थी। फिर एक बीए करना है, बीए जो कि 3 साल का होता है, 2016 आ गया, बीए होगा दोस्तों हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी। परसेंटेज यहाँ पर लिख दें तो 71.13%, कुछ भी लिख दें। नंबर 4 ले रहे हैं दोस्तों एमए, जो 2 साल का होगा यानी 2018 में पूरा हो जाएगा, ये भी गुजरात यूनिवर्सिटी कराती ही है, परसेंटेज में थोड़े से कम 68.65%। और पांचों और छिल्ली हमारी आती है डा बीएड नाम का, हमको क्वालिफिकेशन की है, 2020 में पूरा किया हमने गुजरात यूनिवर्सिटी दोस्तों, परसेंटेज लिख दिया 78.13%। दोस्तों 2020 में हमने हमारी एजुकेशन पूरी की अच्छी तरह से, इसका टेबल बॉक्स जैसे बनाते हैं पैम्पलेट में बना हुआ है वैसे बनाई है दोस्तों। आगे ले रहा हूँ अभी, इसके ठीक बाद में आता है दोस्तों एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आप लिख सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग इन खाली जगह, एज ए खाली जगह, सिंस खाली जगह। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जिसको समझ नहीं आ रहा है ध्यान दीजिए, आई हैव बीन वर्किंग, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ कहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर ज्योति एजुकेशन ट्रस्ट में एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो कोई स्कूल होगी तो ये स्कूल है, तो हमको भी स्कूल का नाम लिख देने का, कोई भी नाम लिख दिया, इन प्रगति हाई स्कूल।
प्रगति हाई स्कूल में मैं नौकरी कर रहा हूँ किसके रूप में? तो एज एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर, याद रखना मैं इंग्लिश टीचर के रूप में ही काम कर रहा हूँ। सिंस पढ़ाई आपने कब पूरी की? पढ़ाई आपने 2020 में पूरी की है, देख सकते हैं। तो 2020 से बच्चों को लगे सर अभी 2020 से कोई एक्सपीरियंस नहीं, नहीं बेटा, आप जब बोर्ड में जाओगे और 2021 में जाओगे तो ऑलरेडी एक साल का एक्सपीरियंस आ गया आपका दोस्तों। इसके बाद लिखते बेटा अपने रीजन फॉर लिविंग जॉब। नौकरी छोड़ने का कारण एक ही कारण होता है दोस्तों, पैसा। लेकिन लिखते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सपेक्टेड सैलरी। एक्सपेक्टेड सैलरी में बीए एमए बीएड किया, बीए कर लिया तो दोस्तों हमारी 15,000 हो गए, एमए में 20,000 और बीएड के अंदर और भी 2-3,000 बढ़ा ले, मतलब रुपीज 25,000 पर मंथ प्लस अदर अलाउंस। अब दोस्तों कई बच्चों को ये रेफरेंस में खबर नहीं पड़ती है तो मैं आपको बता दूं बेटा, रेफरेंस हमेशा पहला रेफरेंस आप जिस स्कूल में पढ़े हो उसके प्रिंसिपल का नाम और एड्रेस पूरा लिखना होता है। मान लीजिए मैं पढ़ाऊँ राष्ट्र भारती में तो मिस्टर प्रदीप गुप्ता। कौन है प्रदीप गुप्ता? द प्रिंसिपल। कहाँ के प्रिंसिपल हैं? तो दोस्तों राष्ट्र भारती हिंदी हाई स्कूल RBHS कहाँ पर आई हुई है? अहमदाबाद में। ये मेरा एड्रेस यानी मेरी पहचान वाले का पहला एड्रेस। दूसरा एड्रेस बेटा कौन लिखते हैं? तो जिस कंपनी में तुम अभी नौकरी कर रहे हो वहाँ के बड़े का नाम और एड्रेस। अब अभी मैं कहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ? मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ प्रगति हिंदी हाई स्कूल में। तो वहाँ का मुइन कौन है बेटा? मिसेज कोसा जैन। कौन है? द मैनेजिंग ट्रस्टी। आप कंपनी में हो तो वहाँ नाम लिखकर होदा में मैनेजर लिख देने का। कौन की मैनेजिंग ट्रस्टी है? प्रगति हाई स्कूल की मैनेजिंग ट्रस्टी है। कहाँ पर आई है प्रगति हाई स्कूल? अहमदाबाद में। ये दोस्तों खास लिखना आना चाहिए, दो ना लिख पाओ तो एक भी लिखना तो है ही है। लास्ट दोस्तों एक लाइन और याद करनी थी, आई होप यू विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय एबिलिटी एट अ पर्सनल इंटरव्यू। मुझे आशा है कि आप मुझे एक रूबरू मुलाकात का मौका देंगे, मतलब थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद देते हुए फुल स्टॉप, योर्स सिंसियरली, कॉमा लगाकर, सामने वाला अपना कौन है, कौन नाम था अपना, कौशल सी परीक्षा नाम हमारा, अपना नाम लिख दे कौशल सी परीख। अब दोस्तों ENCL लिखना ना भूलें। ट्रू कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझ लेना क्या क्या लिखेंगे, आप समझ लेना खुद ही। पहले लिखेंगे SSC मार्कशीट, फिर लिखेंगे HSC मार्कशीट, फिर लिखेंगे BA मार्कशीट, MA मार्कशीट, BEd मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों कल जो एग्ज़ाम है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देना। दूसरी बात, कोई भी बच्चा पैम्पलेट में से देख देख के नकल मार के मत लिखना बेटा। अगर वो लिखोगे वो आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपको एप्लीकेशन नहीं आएगी, फिर क्लास में फिर से बहुत ध्यान से सीखनी पड़ेगी। अगर आप अभी अच्छे नंबर ले आएंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ, पैम्पलेट अगर अभी आप नहीं ले गए हैं तो प्लीज़ आइए, चाहे साइंस वाले हो आप चाहे कॉमर्स वाले हैं, आइए ऑफिस पर, अपनी फ्री में ऑफिस में से ले जाइए अपनी पैम्पलेट दोस्तों और एग्ज़ाम दीजिए। कल सुबह 10 बजे की हमारी एग्ज़ाम है। थैंक यू फ्रेंड्स।